हमने जैसे हवा सुना है, पौवा सुना है, महुआ सुना है, निरहुआ का मतलब क्या होता है? सर ये निरहुआ तो मान लीजिए आपने सुन लिया है जी, बहुत लोग जो नहीं सुने हैं, जैसे मैं पहली बार शूटिंग कर रहा था अच्छा जी बलिया में, और गाना करने के लिए एक मास्टर जी आए थे नेपाल से अच्छा जी, तो डांस मास्टर जी ने पूरा बना लिया, स्टेप बनाने के बाद बोले अब निहुरी जी को बुलाइए तो मैं भी जहाँ खड़ा था वहां से ऐसे ही चल दिया निहुर दी। ये मेरे साथ बहुत होता है। अभी दिल्ली में मैं गया था अच्छा, तो वहां पे लोगों ने मेरा नाम दिया होगा कि ये आए हुए हैं, तो वो पहले पढ़े जिनको अनाउंस करना था, दिनेश लाल यादव निरहुआ। उनको लगा निरहुआ तो कुछ होता नहीं होगा, तो वो बोले तो हमारे बीच अब आ रहे हैं दिनेश लाल यादव नेहरुआ लगभग मेरे साथ रोज ही होता है। पर निरहुआ जो नाम है आज एक एक इंसान के दिल में बसता है। रानी आपका नाम भी रानी ही था कि मतलब फिल्मों में आने के बाद हुआ रानी आपका? नहीं मेरा नाम भी चेंज है। अच्छा सब बहरूपी इकट्ठा हुए हैं सर, पहली ही फिल्म इन्होंने किया था मनोज भैया के साथ। अच्छा ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा, अरे वाह ससुरा बड़ा पैसा वाला, उस फिल्म की हीरोइन यही थी। वाह, और पहली फिल्म से ही इन्होंने यूपी बिहार पे राज किया। क्या बात, और इसलिए इनको रानी कहा गया। थैंक यू। अमरपाली आपका नाम भी अमरपाली है? नहीं, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, तीन लोग तो मुझे मिल गए, आप शुरू से अमरपाली थी? हाँ मेरे घर वालों को शायद मेरे पैदा होते ही पता चल गया था कि हीरोइन ही बनेगी। अच्छा। तो पहले ही ऐसा डिफिकल्ट नाम रख दिया मेरा। अच्छा। अलग सा नाम आम्रपाली, जिसे स्कूल में सब पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, आम वाली एंड ऑल ऑफ दैट। अभी अभी इनका एक नया नाम भी पड़ा है। क्या? अभी हम लोग फिल्म किए जिगर वाला। जिगर वाला, तो जिगर वाला में ये हैदराबाद से आती है पटना में। अच्छा। और वहाँ की लड़कियों को लेके छुप के बीड़ी पीती हैं। अच्छा तो यूपी बिहार ने इनका नाम रख दिया धूम्रपाली। अच्छा खेसारी जी आपके बारे में सुना हम, आप जब स्टार नहीं थे तो उससे पहले आप लिट्टी चोखा बेचते थे? उससे पहले हम दूध बेचते थे। भैंस के। भैंस का दूध। यार बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है, मतलब खुशी होती मन को कि आपने कहाँ से उठ के शुरुआत करी और आज आप सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो कैसे खेसारी जी कैसे शुरू हुआ फिर? तो मैं बहुत छोटा था तो रबड़ वाला पैंट पहनता था। रबड़ वाला पैंट इलास्टिक। हाँ। अच्छा इलास्टिक वाला। हाँ हमारी अंग्रेजी थोड़ा हैवी है इसलिए सॉरी। तो फिर तो मैं जैसे एक लीटर दूध लेके जाता था तो उसमें दो पौवा पानी मिलाता था। मिलावट वाला दूध बेचते थे? नहीं बात तो नहीं था, 10 रुपया मुझे भी तो चुराना था। कैसे 10 रुपये क्यों चुराते थे? मतलब 10 रुपये मेरे लिए उस वक्त बहुत थे। अच्छा। तो 10 रुपये मिलता था तो भादो के मेला में जाता था। अच्छा। और जिलेबी खाता था। अच्छा। और फोफिया मिठाई खाता था। इनका पाजी वो जो दूध में पानी मिलाने वाला था। हाँ। उसमें एक कमाल का किस्सा था। एक बार ये पानी घर से मिलाना भूल गए। अच्छा। रास्ते में इनको याद आया। अच्छा। कि 10 रुपए चाहिए। पानी तो मिलाया नहीं। अच्छा। अब क्या करूं? अब जो दूध का डब्बा था तो एक हम लोग के गांव में पोखरा होता है जैसे तालाब। अच्छा जी। हाँ। वहां साइकिल खड़ा किए, अपना डब्बा खोले और पोखरा में इधर उधर दे के डब 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 भर लिए, भर के उसको बंद करके पहुंच गए बाजार में। सुबह सुबह एक औरत निकली, बोली अरे खेसारी जी थोड़ा 2 रुपये का दूध दीजिए। अब ये जैसे ही दूध देने गए तो उसमें छोटी सी एक मेंढक का बच्चा कूद गया। वो जैसे मेंढक का बच्चा कूदा वो जो है दूध फेंक के भागे, क्या कर रहे हो ये, कैसा दूध है, इसमें से मेंढक का बच्चा कूद रहा है। तो ये बोले कि 2 रुपये का दूध लोगी, मेंढक का बच्चा नहीं तो हाथी का बच्चा कूदेगा। मैं एक्चुअली मैं भेज वालों के लिए दूध दे रहा था, नॉन भेज वालों के लिए मेढक लेके गया था। निरहुआ हमने आपके बारे में सुना कि बचपन में निरहुआ को फिल्में देखने का इतना शौक था
कि इनके पिताजी सो रहे होते तो उनके ऊपर चद्दर डाल के रात को फिल्म देखने चले जाते। सही बात है जी जी। यूपी बिहार में रात को कौन सी फिल्म देखने जाते थे आप? बताना पड़ेगा, बताइए सर क्या होता था जी? कि गांव में कहीं बारात आई है, अच्छा, तो पहले वहां ना वीडियो चलता था, हाँ, कैसेट वो वीसीआर में, हाँ जी, तो हम लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ बारात आई है तो कोई ना कोई फिल्म आई होगी, अच्छा, तो हम लोग तैयारी करते थे और देखते थे, घर वाले जो है सो गए, अच्छा, तो हम जहाँ सोए हैं वहाँ तकिया रख के उसके ऊपर चद्दर वद्दर ओढ़ा के और निकल लेते थे, अच्छा, और फिल्म देख के सुबह आके हम लोग सो गए और पिताजी सुबह सुबह उठे बोले उठ जाओ कब तक सो रहा है, उनको मालूम नहीं अभी आके सोया है, अच्छा। और चूंकि पिताजी के साथ हम लोग अकेले रहते थे, अच्छा जी, तो पिताजी ने दाल वाल चढ़ा दिया और सब मसाला वसाला डाल दिया और उन्होंने कहा कि इसको ना पक जाए तो उतार देना, तो हम भी नींद में सही बोल रहे हैं हाँ उतार देंगे। वो अपना चले गए खेतों में काम करने के लिए और जब वो लौट के आए तो हम तो सोए हैं, दाल जल के एकदम राख हो चुकी है, अच्छा। उसके बाद पिताजी मोटा सा डंडा उठाते थे और दौड़ाना शुरू करते थे और कहते थे कि रतिया भर तो मीना कुमारी क्या रला। इसका मतलब क्या बताइए जरा क्या? उनका कहना यह था कि रात भर तो तुम मीना कुमारी के साथ थे, ये दाल अब कहां से हम खाएं। अच्छा आम्रपाली ने जैसे मैंने बताया कि इन्होंने इनके साथ बहुत फिल्में की और खेसरी जी के साथ आपने एक ही फिल्म करी है ना? हाँ, उसमें भी एक स्पेशल सॉन्ग किया है, बस गाना इन्होंने किया था, मर्द अमर बच्चा बा, बच्चा है मर्द अभी बच्चा है, छोटा है अभी बच्चा है। अच्छा ऐसे क्यों, मतलब उनके साथ 25 फिल्में उनकी एक भी नहीं पूरी करी, तो एक दूसरे को प्रमोट ऐसा तो नहीं है एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, आपको फिल्म मिलती तो आप इनका नाम ले देते, इनको तो एक दूसरे कमीशन तो नहीं मिलती आपको है? वो भाई साहब एक खड़े हुए जी जी, आप कुछ कहना चाहते? हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ मैं, क्या कोई अपनी बुराई नहीं बताता है, हाँ। देख लेते हैं, हाँ। साइड में कोई लेके जाता है देख लेते हैं, अपने में बैठा रहते हैं उसको नहीं देखते। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी एक एंटरटेनमेंट का साधन है। अच्छा कभी आप सब में ऐसे सवाल है, जैसे हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि एक बार कटरीना और सलमान बैठ के ऑटो में चले गए, ऐसे कभी घर से निकले और ट्रैफिक था, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी के साथ, कोई सेलिब्रिटी आके आपके से बैठ गया हो, है आपके साथ हुआ है? जी माइक, मेरा नाम तो नहीं लेगा। अजय नाम है मेरा, अच्छा जी, मैं बिहार से हूँ, अच्छा जी, पेट क्यों क्या हो रहा है? नहीं, <क्या नहीं। laughs> मुझे लगा कह रहा था मैं बिहार से और मैं पेट से भी हूँ। तो अजय आपके कौन सेलिब्रिटी बेटा? मैं वर्सावा में, वो कौन सा हरी रोड है, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे मैंने एक घंटा खड़ा रहा, मुझे कोई पैसेंजर मिला नहीं, अच्छा जी, तो फिर मैंने वहाँ से रिक्शा निकाला, मैं सोचा आगे जाता हूँ आगे कोई मिल जाए, अच्छा जी, तो जैसे आगे आया ना तो एक बिल्डिंग से अंदर आ रहे थे सर, वो कोई मिलन में काम करते हैं, अच्छा विलन थे कोई, हाँ मैंने फोटो निकाला था उनके साथ, तो उन्होंने आवाज दिया, मैंने रोका, फिर बोले जो गोरेगांव फिल्म सिटी जाना, अच्छा जी, बोला ठीक है सर, बोले मालूम है क्या, मैं बोला हाँ मालूम है, फिर उधर से मैं उनको देखते हुए आ रहा हूँ, बार बार मैंने उनको कांच में देख रहा हूँ पीछे, अच्छा जी, मैंने गोरेगांव चेक न कराया, जब भी मैं उनको पूछा तो सर मैंने आपको कहीं देखा हूँ, फिर बोले ऐसा है क्या? देखे हो? मैं बोला हाँ सर, तो मैंने उनको बोला सर मैं आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ, बोला हाँ खींच लो, फिर साथ में जो है उन्होंने फोटो निकाला, फिर थैंक यू बोला, सर पैसा दिए, फिर मैं उधर से आ गया। कौन थे वो? नाम उन्होंने नहीं याद है, मैंने फोटो निकाला। लेकिन कपिल, जब तुमने फोटो तो खींची ना उनके साथ, तो बाद में फोटो दिखाई होगी, किसी ने तो पहचाना होगा ये कौन है? मैंने ऐसे फोटो दिखाया, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना? नहीं, रूम पे जो है फोटो दिखाया तो सबने पहचाना, लेकिन नाम किसी को पता ही नहीं। ये सही था। हाँ, कितना फेमस होगा वो आदमी। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, जो ऑटो के पीछे ना आपने देखा, ऑटो रिक्शा के पीछे बड़ी मस्त शायरी रहती है, हाँ, हाँ। बड़ी सारी चीजें रहती है, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, दिखाइए जरा ये जो लिखा हुआ है, घूम फिर के बाद वही आ गई है, नो स्मोकिंग नो किसिंग। स्मोकिंग का तो समझ में आता है कि अब होनी भी नहीं चाहिए हर जगह,
नो किसिंग लिख के किसी ने, कोई बहुत तंग होगा शायद. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.